दोस्तों मैं जितेंद्र टेकॉम से बोल रहा हूँ। दोस्तों आज मैं एक बार फिर आपके सामने जोनी A1 प्लस फ़ोन लेकर आया हूँ और आज मैं दोस्तों कुछ इसके प्रोमिनेंट फीचर्स की बात करूँगा। दोस्तों इस डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि मैं ऑलरेडी इसकी अनबॉक्सिंग और फर्स्ट इम्प्रेशन की वीडियो आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। हालांकि ये फ़ोन 14 जुलाई को लॉन्च होना था लेकिन कुछ दिनों के लिए इसका ऑफिशियल लॉन्च डिले हो गया है और इसलिए मैंने आपके सामने अभी मैंने डिटेल रिव्यू लेकर नहीं आया हूँ। और जैसे ही कंपनी अनाउंस करेगी कोई पर्टिकुलर डेट ऑफिशियल लॉन्च के लिए तो हम आपके सामने दोस्तों इसका डिटेल रिव्यू लेकर आएंगे। तो इन द मीन टाइम दोस्तों डिज़ाइन की बात मैं आपसे ऑलरेडी कर चुका हूँ। ये काफ़ी अच्छा एलिगेंटली लुकिंग फैबलेट है और दोस्तों इसका जो प्रोमिनेंट फीचर है वो है इसका डुअल कैमरा। ये 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का दोस्तों डुअल कैमरा दिया गया है विद एलईडी फ्लैश f2.0 अपर्चर और काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी आप इस पर कर सकते हैं। और मैंने दोस्तों काफ़ी इस पर क्लिक्स किए हैं, मैं अभी आपको कुछ इसके क्लिक्स दिखाऊंगा। और दोस्तों ये इसका बहुत ही अहम फीचर है और जोनी ने इस पर बहुत काम किया है क्योंकि आजकल डुअल ट्रेंड का एक ट्रेंड डुअल कैमरा का एक ट्रेंड चल गया है तो जोनी ने भी इस ट्रेंड में दस्तक दी है और मेरे हिसाब से ये काफ़ी सक्सेसफुल इनका फ़ोन रहेगा जहाँ तक इसके डुअल कैमरा की बात करें। और दोस्तों इसमें 20 और सेल्फी के लिए तो दोस्तों जोनी ने इसमें और भी ध्यान रखा है। आपको याद होगा कि जोनी ने A1 फ़ोन लॉन्च किया था कुछ महीने पहले, उसमें 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा था लेकिन इसमें 20 मेगापिक्सल का दोस्तों उन्होंने कैमरा दिया है और ये काफ़ी अच्छी सेल्फी खींचता है। मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ दोस्तों। और इसका दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर भी बहुत फास्ट है। अब जैसे मैंने ये थंब अपना इस पर रजिस्टर किया हुआ है तो जैसे ही मैंने इस पर थंब लगाया ये फ़ोन अनलॉक हो गया। तो दोस्तों ये भी इसका एक बहुत बड़ा फीचर्स है। और ये देखिए दोस्तों, ये तो है इसके बैक कैमरा से और ये दोस्तों सेल्फी कैमरा से खींची गई है 20 मेगापिक्सल की सेल्फी से जो कि f2.0 अपर्चर के साथ आता है। दोस्तों ये बैक कैमरा से खींची गई है और तो ओवरऑल दोस्तों ये इसमें आपको काफ़ी अच्छी फोटोग्राफी लेने का मौका मिल जाएगा। और ये फ़ोन दोस्तों आपकी अगर आपको फोटोग्राफी के लिए अगर आप इस के लिए आपको फ़ोन चाहिए तो इस जैसा फ़ोन तो आपको शायद ना मिले। और इसकी प्राइस के बारे में मैं अभी नहीं कह सकता लेकिन उम्मीद है कि ये 25,000 रुपीज़ तक का फ़ोन लॉन्च होगा। दोस्तों इसका जो एक बहुत ही जो अहम फीचर है वो है इसकी मैसिव 4550 बैटरी mAh बैटरी यानी कि 4550 की इसमें mAh बैटरी है। और दोस्तों मैंने इसको जब यूज़ किया तो मेरा एक दिन से ज़्यादा ये इसने आसानी से निकाल दिया, हालांकि मैंने इसको बहुत एक्सटेंसिव यूज़ किया। प्लस ये फास्ट चार्जिंग के साथ आती है और ये बहुत जल्द चार्ज हो जाती है, ये भी दोस्तों इसका बहुत बड़ा एक फीचर है। प्लस दोस्तों ये फैबलेट जो है ये 6 इंच की है और इसकी जो रेजोल्यूशन है 1080x1920 और इससे आपको मीडिया कंटेंट देखने में तो बहुत ही आनंद आएगा। और आप अगर आप बहुत ही मीडिया को यूज़ करते हैं तो ये फ़ोन दोस्तों आपके लिए काफ़ी आइडल रहने वाला है। और ये देखिए, या मैं अभी आपको अपना ब्लॉग दिखाता हूँ और जिसमें आप जो इसके क्रिस्प आप इसमें आपको टेक्स्ट देखने को मिल जाएगी और आपको हर चीज़ में ये जो फ़ोन है आपको ये लुभा लेगा जहाँ तक इसके डिस्प्ले की बात करें दोस्तों। तो ये भी दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा एक अहम फीचर है। ये देखिए अब टेक्स्ट कितनी दोस्तों क्रिस्प आ रही है और इमेजेस भी इसमें काफ़ी क्रिस्प आती हैं, डिटेल कंट्रास्ट आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और अगर जब आप इसमें मीडिया चलाएंगे दोस्तों तो तब तो आप बहुत ही इसका लुत्फ़ उठा सकते हैं क्योंकि ये स्क्रीन बहुत बड़ी है। और तो दोस्तों ये जो इसके कुछ अहम फीचर थे और मैं आपको एक बार फिर गिना देता हूँ। इसका डुअल कैमरा जो है
13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का, इसमें आप अच्छी फोटोग्राफी कर सकते हैं, इवन फेडिंग लाइट में भी कर सकते हैं। इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर बहुत फास्ट है, बैटरी इसकी मैसिव है 4550, स्क्रीन का जो साइज़ है 6 इंच का, हालांकि आपको इसको ऑपरेट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है सिंगल हैंड से, लेकिन अगर आप बहुत मीडिया कंजम्पशन करते हैं तो ये आपके लिए आइडियल फ़ोन होगा। और इसका दोस्तों जो सेल्फी कैमरा है वो भी बहुत अच्छा है। तो दोस्तों बाकी इसकी जो प्राइस है मैं उसके बारे में अभी टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन उम्मीद है कि ये अराउंड 25,000 रुपीज़ तक का ये फ़ोन लॉन्च होगा, और इसके बारे में आपको जल्द ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी जैसे ही ये फ़ोन ऑफिशियली लॉन्च होता है। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और आप मेरे वीडियो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, प्लस आप मेरा ब्लॉग पढ़ना भी ना भूलिए जिसका नाम है tech.com। थैंक यू वेरी मच एंड बाय।